सब्लाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाज शास्त्र। तो शिक्षा के समाज शास्त्र में आज हमारे साथ रहेंगे अरविंद घोष। श्री अरविंदो के नाम से भी जाने जाते हैं ये, गुरु अरविंद घोष के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे और खासतौर से ये देखेंगे कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से योगदान दिए और इनका शिक्षा दर्शन क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं कि अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था। 1872 कलकत्ता में हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने युवावस्था में एक स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में ये एक योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि पे इन्होंने टीकाएं भी लिखी। योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे और उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर पूरा बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं और ये कवि और गुरु भी कहलाते हैं। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। श्री अरविंद ने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में दैवीय शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन में व्यतीत करते हुए अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को अति मानस सुपरमाइंड स्वयं को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है और शिक्षा द्वारा ही यह संभव है। तो ये जो आपने चार लाइनें लास्ट की पढ़ी हैं, ये आपके बड़े बड़े पेपर में अरविंद को पहचानने में मदद कर सकता है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि अति मानस क्या है। ठीक है, अति मानस क्या है, मानस क्या है और अति मानव क्या है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट की जो बात की है फिलहाल तो अभी किसी के पास नहीं देखी गई है, ये सिर्फ अरविंदो ने ही बताया है। इसलिए इसके जो टॉपिक सॉरी ये टर्म है ये अरविंदो से इनको जोड़ते हैं। तो कभी भी आपको अति मानस, मानस या अति मानव की बात दिखाई दे जाए तो आप तुरंत, अगर आपके पास अरविंदो का ऑप्शन है तो आप तुरंत उसको टिक कर दीजिएगा। और अति मानव और अति मानस क्या है इसको हम आगे समझेंगे। यहां तो फिलहाल हमने आपको ये बताया कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अरविंदो से जोड़ती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया और श्री अरविंद को 150 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। हो सकता है ये 150 रुपए उस समय काफी ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल आज के समय में 150 रुपए प्रतिमाह सुनने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। श्री अरविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना का विकास किया और अपने शिक्षा दर्शन की आधारशिला रखी। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित भी हुआ। प्रधानाचार्य का कार्य करते हुए अरविंद अपने लेखक तथा भाषणों द्वारा देशवासियों को प्रेरणा देते हुए राजनैतिक गतिविधियों में भाग भी लेते रहे। अब हम देखते हैं श्री अरविंदो का दर्शन। श्री अरविंदो का दर्शन का जो लक्ष्य है वो उदात्त शक्ति का ज्ञान है। तो उदात्त शक्ति का जो दर्शन है, मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सबलाइन शब्द आया था, सबलाइन मेरी जो क्लास है उसका भी नाम है, तो जब मुझे लगा कि चलो सबलाइन ट्रुथ की बात हो रहा है, उदात्त दर्शन है ना, आज मैं आपको सबलाइन का भी थोड़ा मतलब बता दूंगा। उन्होंने कहा उदात्त शक्ति, तो उदात्त का मतलब अगर थोड़ा सा आपकी समझ वाली बात बता दूं तो विशिष्ट सत्य होता है, क्योंकि सबलाइन का मतलब भी विशिष्ट होता है। तो उदात्त शक्ति का ज्ञान मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए विशिष्ट ज्ञान की। ये नहीं है कि आपने ज्ञान ले लिया बस वही सब कुछ है, जो समग्र जीवन दृष्टि यानी कि इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ द्वारा प्राप्त होता है। समग्र जीवन दृष्टि मानव के ब्रह्म में लीन या एकाकार होने पर विकसित होती है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मानव अति मानव बन जाता है। ये प्रश्न आ चुका है कि ये एक जो मानव होता है ये किस प्रकार एक सुपरमैन बन सकता है या अति मानव बन सकता है। तो सुपरमैन से तो याद आ जाता है जो हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी की तरफ नहीं जाना है। यहाँ पे अरविंदो जो अति मानव की बात कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करिएगा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जो है वो मानव को अति मानव बनाता है। ये ऑप्शन में भी था कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ऐसा कर सकता है कि मानव को अति मानव, तो बहुत लोगों ने लगा होगा भाई ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अरविंद का जो दर्शन है वो यही कहता है। ठीक है,
अर्थात सत रज तम यानी कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर ज्ञानी बन जाता है। अगर आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारा सांख्य दर्शन का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा की है। आगे चलते हैं। अतिमानव की स्थिति में व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना ही रूप समझता है। ठीक है, अतिमानव की स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति प्राणियों को अपना ही रूप समझता है, मतलब वो मानव नहीं है, अब वो बहुत बड़ी चीज हो गया है, वो जो हमारे चारों तरफ माहौल है, भौतिक दुनिया है, उससे ऊपर उठ चुका है, आध्यात्मिक दुनिया में जा चुका है। जब व्यक्ति शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टि से एकाकार हो जाता है तो उसमें दैवी शक्ति यानी कि डिवाइन पावर का प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत होती है। दैवी शक्ति भी एक ऐसा टॉपिक है जो अरविंद के दर्शन में सबसे ज्यादा देखा जाता है। योग की बात करें तो वैसे योग तो पतंजलि ने भी कहा था, लेकिन यहां पर योग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। समग्र जीवन दृष्टि है तो अरविंद ने योगाभ्यास पर अधिक बल दिया। योग द्वारा मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। अरविंद की दृष्टि में योग का अर्थ जीवन को त्यागना नहीं है, बल्कि दैवी शक्ति पर विश्वास रखते हुए जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करना है ना। अभी आपने देखा कि योग क्या है, यहां पर योग कुछ और है, दैवी शक्ति पर विश्वास रखना है। आप जिसकी पूजा करते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उसकी शक्तियों पर विश्वास रखिए और जो आपके सामने समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं उसका साहसपूर्ण सामना भी करिए। अरविंद की दृष्टि में योग कठिन आसन व प्राणायाम का अभ्यास करना नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से आत्मसमर्पण करना है और मानसिक शिक्षा द्वारा स्वयं को दैवीय स्वरूप में परिणित करना है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अरविंद के लिए योग क्या है, तो योग ईश्वर की भक्ति है। अरविंद ने मस्तिष्क की धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि मस्तिष्क के विचार स्तर चित्त मनस बुद्धि तथा अंतर्ज्ञान होते हैं। यहां मैं बता दूं जो चित्त है वो सबसे आधार है, मतलब यहीं से शुरुआत होती है, तो इसको हम नंबर एक कह सकते हैं। चित्त नंबर एक पर है, शुरुआत होती है जब हम चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, समझते नहीं है, सुनते हैं और उसको अपने मन में रखते हैं। लेकिन जब वो मनस में आता है, मतलब नंबर दो पर मनस में आता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो सही होने लगते हैं कि हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि भाई धरती घूम रही है, हमारे आसपास वायुमंडल है और ईश्वर की भक्ति है। तो इस चीजों की कॉन्सेप्ट को समझने की ताकत किसमें होती है, मनस में। शिक्षा को समझने की ताकत किसमें होती है, मनस में। तो मनस एक तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल बेस ताकत आ जाती है। ठीक है, अभी हम अतिमानस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मनस की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है बुद्धि की। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को कहते हैं विचार को आदान प्रदान करने की शक्ति, है ना, आदान प्रदान करने की शक्ति जो होती है। तो विचारों को जब आदान प्रदान करने की शक्ति होती है वो बुद्धि के द्वारा ही होती है। विचारों की बात कर रहा हूं कि कुछ भी आप पढ़ लिख लिए और उसको दिए नहीं, आप अपने विचार को कैसे लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही अंतर्ज्ञान की बात जब होती है तो ये चौथे नंबर की यानी कि सबसे टॉप लेवल की मानी जाती है कि भाई ये चेतना है। आप अगर मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो चेतना शब्द बहुत ज्यादा आता है, तो चेतना ही अंतर्ज्ञान है। और चेतना में इन तीनों से ऊपर उठकर सोचने समझने की शक्ति होती है। मतलब अगर अब क्वेश्चन आता है कि भाई उन्होंने जो चार चीजें बताई थी वो उसमें सबसे टॉप लेवल पर क्या था, तो अंतर्ज्ञान भी हो सकता है या चेतना भी लिखा हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये चारों चीजें चित्त मनस बुद्धि अंतर्ज्ञान, ये चारों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं अतिमानस के अंतर्गत, अतिमनस या अतिमानस कह सकते हैं। ठीक है, अतिमनस सुपर माइंड इन चारों के ऊपर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आगे चलते हैं। अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को अज्ञान से संदेश प्राप्त होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के आरंभ की परिचायक होती है। अरविंद ने अंतर्ज्ञान को विशेष महत्व दिया है और अंतर्ज्ञान द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दशा को पहुंचती है। मतलब अंतर्ज्ञान एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसको हम चेतना कह रहे थे, वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जो आपको भौतिक दुनिया से अलग लेकर एक सत्य की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। और कहां तक ले जाएगा आपको, अतिमानस की तरफ ले जाएगा,
जो आपको सुपरमैन बनने की ताकत देगा। अरे सुपरमैन नाम आता है तो थोड़ा हॉलीवुड वाला मूड बन जाता है कि हाँ भाई ये तो सुपरमैन है, ठीक है। तो फिलहाल वो सुपरमैन नहीं है, यहाँ तो अरविंदो की बात चल रही है। तो अति मानस का मतलब वो भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बन चुका है। अब बात करते हैं अति मानस आखिर है क्या। मानव दैवी शक्ति से समन्वित है और शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है, इसीलिए वो मस्तिष्क को छठी इंद्रिय मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, मस्तिष्क को छठी इंद्रिय किसने माना है, किसने, अरविंदो ने माना है मस्तिष्क को छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस। शिक्षा का प्रयोजन इस छह इंद्रियों का सदुपयोग करना होता है और उन्होंने कहा कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए। जो मस्तिष्क है वो छठी इंद्रिय है और इसका भी पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए। अरविंद की मस्तिष्क की धारणा की परिणति अति मानस की कल्पना व उसके अस्तित्व में है। अति मानस चेतना का उच्च स्तर है। देखिए मैंने अभी चेतना ही बताया था आपको और ये चेतना से भी ऊपर वाली चीज है। तो अति मानस चेतना का उच्च स्तर है तथा दैवीय आत्मशक्ति का रूप है, ठीक है। दैवीय आत्मशक्ति का रूप है, ये कई बार पूछा जा चुका है किसकी शक्ति है, तो यहाँ पे दैवीय आत्मशक्ति का रूप है। अतिमानस की स्थिति तक पहुंचना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। पिछली बार एक प्रश्न आया था कि मनस क्या है अरविंदो की नजर में, तो मनस दैवीय शक्ति नहीं है, ठीक है। आप लोग टिक कर देंगे खट से कि भाई सर ने बताया था अतिमानस तो है तो मनस भी होना चाहिए, तो मनस वो नहीं है। मनस सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें समझता है। जैसे मान लीजिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जो चीज जो जो चीजें आप व्यवहार के रूप में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो वो मनस है। उसके कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्यवहार को सीख रहे हैं, ये मनस है। लेकिन अति मानस एक दैवीय शक्ति मान ली जाती है, ठीक है। अरविंद के अनुसार भारतीय प्रतिभा की तीन विशेषताएं हैं। भारत में तीन विशेषताएं होनी चाहिए और होती हैं, आत्मज्ञान, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी। ये तीन प्रतिभाओं की बात की है। फिलहाल इस पे मैंने अभी तक कोई प्रश्न नहीं देखे हैं लेकिन फिर भी इन्होंने बताए हैं तो आपको पढ़ने चाहिए। वर्तमान शिक्षा की पद्धति से इन्हें काफी असंतोष था, असंतुष्टि थी। क्यों थी? अरविंद के दर्शन की चरम परिणति उनके शिक्षा दर्शन में हुई और वे वर्तमान शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। उनका कहना था सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि के आधार का नहीं हो सकता। उनका मतलब यह है कि जो सूचनाएं हैं यही आपको मिल जाती हैं, तो क्या ये आपकी शिक्षा थी? क्या आपने शिक्षा ग्रहण कर ली? आज आजकल भी शायद यही हो रहा है कि आप बस सूचनाएं इकट्ठा करना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मेरे चैनल पे भी कई लोगों ने कहा कि सर बस क्वेश्चन बताइए कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन से पहले आप उसका बेस तो पढ़िए कि आखिर वो है क्या चीज, क्योंकि क्वेश्चन वही उठा के पेपर में नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि आखिर ये पूछा क्या गया है, और खास तौर से तो नेट के पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन मत रटिए। हाँ एक बार ये देखा जा सकता है कि आप क्वेश्चन के तरीके देख लीजिए भाई, किस किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सब कुछ पता कर लेना ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, जिस तरीके से आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से करिए। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं दिया जाता, जो विद्यार्थी हैं उनको विकास का अवसर नहीं दिया जाता। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति उदार दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। शिक्षा के लक्ष्य की बात करें तो शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विकासशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना और उसे उच्च आदर्शों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। ये जो लाइन है अरविंदो की काफी गांधी जी से मैच कर रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको सब वो सोचना पड़ेगा कि अरविंद बोल रहे हैं या गांधी जी बोल रहे हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास वो भी बोल रहे थे और ये भी बोल रहे हैं। तो उम्मीद है अगर मान लीजिए आती है लाइन तो हो सकता है ऑप्शन में एक ही हो। तो अरविंद के विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के लक्ष्यों के समान है। देखिए जो मैंने बोला था वही बात है। अरविंद की धारणा थी कि शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति में विश्वास जागृत करना है कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम है और वो अति मानव सुपरमैन की स्थिति में आ रहा है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की अंतर्निहित बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। सिलेबस की बात करें कैसा होना चाहिए। अनेक विषयों को सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों को कुछ चयनित विषयों का ही गहन अध्ययन कराया जाए।
देखिए, आप आजकल एक और थिंकिंग चल रही है, खूब सारी चीजें पढ़ लो, खूब सारी डिग्रियां ले लो, हर चीज का ज्ञान ले लो। ये चीज वाकई में गलत है, लेकिन अब जो हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। आप अनेक विषयों को जानिए, पहचानिए, हर, मैं तो कह रहा हूँ जितना विषय सब कुछ जानिए, लेकिन हर चीज के डीप में जाने से अच्छा है आप एक या दो विषय को ही डीप में जाकर उसको अच्छे से जाने, है ना। हर विषय को डीप में जानेंगे तो कुछ भी डीप नहीं रह जाएगा, सब ऊपर ऊपर निकल जाएगा। यही कहा जा रहा है कि सतही ज्ञान करने के लिए कुछ एक विषयों का डीप नॉलेज होना चाहिए, बाकी सबको साइड में कर देना चाहिए। वे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मानते हैं, क्योंकि उनका विचार है प्रत्येक बालक में इतिहास बोध होता है और इतिहास शब्द, इतिहास जो विषय है, वो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। अरविंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, खोज, विश्लेषण व संश्लेषण करने की प्रवृत्ति होती है, अतः वे विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं। मस्तिष्क को प्रधानता देने के कारण अरविंद पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र विषय को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। बात करते हैं नैतिक शिक्षा भी जल्दी किसी भी मतलब जितने महापुरुषों की बात मैंने की, उन्होंने नैतिक शिक्षा को अलग से नहीं बताया है। इन्होंने नैतिक शिक्षा की बात की, मानव की मानसिक प्रवृत्ति नैतिक प्रवृत्ति ही पर आधारित होती है। बौद्धिक शिक्षा जो नैतिक और भावनात्मक प्रगति से रहित हो, मानव के लिए हानिकारक है। नैतिक शिक्षा हेतु तो अरविंद गुरु ने प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सहायक हो सकता है। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण भी हो सकता है। नैतिक शिक्षा संसूचन विधि द्वारा दी जानी चाहिए, यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, जिसमें गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक विकास हेतु प्रेरित करें। शिक्षण विधि और शिक्षक की बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, वह तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उस ज्ञान प्राप्त करने की दिशा भी दिखलाता है। शिक्षण पद्धति की उत्कृष्टता उपयुक्त शिक्षक पर ही निर्भर होती है। तो प्रशिक्षक नहीं है शिक्षक, शिक्षक आपके साथ रहेगा, आपको सहायता करेगा और आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। ये हमारे अरविंदों के कुछ कथन थे, या उनके उन्होंने बारे में बताया अपने शिक्षा साहित्य के बारे में। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिएगा ऐसे ही सब ऑनलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।